दोस्तों अगर आप भी इरफान पठान एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों इरफान पठान ने जैसे राशिद खान के साथ डांस किया ना बीच मैदान में, तो उस पर तो पाकिस्तानी दिग्गज बुरी तरीके से भड़क गए हैं और इस बार तो उन्होंने आईसीसी से उनके खराब एंकरशिप की कंप्लेंट तक कर डाली है, उनको पैनल से हटाने की बात कर दी है। अब इस पर भड़कते हुए ना यूसुफ पठान ने उन्हें खतरनाक जवाब दिया है और कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर हर एक पाकिस्तानी के मुंह पे ताले लग चुके हैं। यूसुफ के इस खतरनाक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इरफान पठान ने राशिद के साथ जीत पर वो डांस कर सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पूरे देश में इस समय एक ही कंट्रोवर्सी चल रही है, वर्ल्ड कप एक तरफ और पाकिस्तान व अफगानिस्तान की टीम के बीच में हुआ मुकाबला एक तरफ। देखिए पाकिस्तान की टीम को इस बार वर्ल्ड कप में भारत ने तो हराया ही, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी उन्हें मात दी और अब तो जैसे अफगानिस्तान ने उन्हें धूल चटाई ना, पूरी दुनिया में उनकी थूथू हो रही है। अफगानिस्तान की टीम ने 200 पाकिस्तान की टीम को इस कदर हराया कि मानो कोई बच्चों की टीम मैदान में खेल रही थी। और दोस्तों यकीन मानिए अफगानिस्तान की उस जीत के बाद ना पाकिस्तान की टीम की बेइज्जती तो हुई ही, लेकिन एक ऐसा भी वाक्य घटा जिससे सभी भारतीयों का दिल खुश हुआ। देखिए अफगानिस्तान और भारतीय फैंस व खिलाड़ियों के बीच में एक अटूट बंधन है, एक ऐसा प्यार है जो सबको मैदान में दिखता है। इनफैक्ट भारत और अफगानिस्तान के फैंस भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों इसीलिए राशिद खान की टीम जीती तो राशिद खान के साथ कुछ अफगानी स्टाइल में ना इरफान पठान नाचने लगे थे। बीच मैदान में उनके नाचने का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, लेकिन इसे कथित तौर पर ना बहुत ज्यादा आलोचना मिली पाकिस्तान की टीम की तरफ से। आपने सही सुना, पाकिस्तानियों को ऐसी मिर्ची लग गई कि दोस्तों उन्होंने तो आईसीसी से जाकर कंप्लेंट कर दी है कि इरफान पठान ने ना तो सही एंकरिंग की है और साथ ही साथ उन पर एंकरिंग के से तो हटाने का इल्जाम लगाया ही, साथ ही जुर्माने की भी बात कर डाली। दोस्तों हो सकता है कि शायद आईसीसी इरफान पर एक्शन भी ले ले, लेकिन अब इस मुद्दे पर ना यूसुफ पठान ने करारा जवाब दे डाला है आईसीसी को भी और उन सभी पाकिस्तानियों को भी जो इरफान पठान पर बेबुनियादी तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, उन पर जुर्माना लगवाना चाह रहे हैं। दोस्तों यूसुफ पठान ने गुस्से में भड़कते हुए जवाब देते हुए अपने बयान में कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम के बीच में मुकाबले के बाद जो भी कुछ हुआ वो केवल एक सेलिब्रेशन था, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को खुशियां तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं है। इरफान पठान सालों से एंकरिंग कर रहे हैं और जानते हैं कि किस तरीके से एंकरिंग में महारत हासिल करनी है, किस देश के लिए क्या बोलना है, किसके लिए कैसे बिहेव करना है। राशिद खान केवल एक खिलाड़ी नहीं, केवल एक मैदान में खेलते हुए प्लेयर ही नहीं है, वो तो इरफान पठान के अजीज दोस्त भी हैं। और जब दोस्त जीतता है तो भले चाहे पाकिस्तान के खिलाफ जीते या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भाई जीत का जश्न तो बनता ही है। अब इसमें कोई खुशी से नाचे या कूदे इससे आईसीसी को क्या मतलब, और पाकिस्तानियों ने आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी है इस तरीके से जाकर आईसीसी पर जुर्माना लगाने की बात कहकर। इरफान पठान इंडिया के सबसे बेहतरीन एंकर्स में से एक है और उन पर इल्जाम लगाने से पहले आप अपनी गिरेबान में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने क्रिकेट पर ध्यान दीजिए, ना कि इरफान पठान के नाचने पर, उससे आपके देश का क्रिकेट इंप्रूव नहीं होने वाला। दोस्तों यूसुफ पठान ने जो जो एक एक बात कही है ना वो सीधा सर में लगी होगी जाकर पाकिस्तानी दिग्गजों के और आईसीसी के। वैसे आप सभी को क्या लगता है, इरफान पठान को एंकरिंग से हटाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा हाँ या ना, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों जब राशिद खान ने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया, यहाँ तक कि अब सलमान खान से लेकर बॉलीवुड के बादशाह किंग खान और प्रीति जिंटा तक ने अब राशिद खान की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा उनकी बातों ने राशिद खान के चेहरे तक में मुस्कान ला दी। तो आखिर कैसे इन सभी बॉलीवुड सुपरस्टार्स ने राशिद की महानता को किया सलाम, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के अलावा कौन सी तीन टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों हिंदुस्तान में आकर तो हर कोई यहाँ की संस्कृति और माहौल में रंग जाता है, और जब क्रिकेट का महाकुंभ भारत में आयोजित किया जाए तब हर तरफ तो भारत भारत की ही गूंज होने वाली है। जहाँ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने एक तरफ जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट किया था, तो वहीं अफगानिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी राशिद खान ने पाकिस्तान को कुचलने के बाद जब हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया वो तो इतिहास का सबसे शानदार लम्हा साबित हुआ, क्योंकि शायद वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारत के सम्मान में तिरंगा उठाकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक खास जगह हासिल की। जी हाँ, ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि भारतीय हर किसी को अपने से ही एक मानते हैं और सभी को परिवार जैसा प्यार देते हैं, बस यही प्यार राशिद खान को भावुक कर गया।
किया, उन्हें फैंस का खूब समर्थन और प्यार मिला। उसी के दम पर ही अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को हराने में कामयाबी हासिल कर पाई और इतिहास के पन्नों को पलटा। ऐसे में इस प्यार का बदला चुकाते हुए राशिद और कई अफगानी खिलाड़ियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और हिंदुस्तान के तिरंगे को हवा में ऊपर उठाकर एक महानता की मिसाल पेश की। हालांकि ये लम्हा पाकिस्तानियों को फूटी आंख नहीं भाया, उन्होंने तो एक बार फिर इस पर विवाद करना शुरू कर दिया। तो वहीं पूरी दुनिया में राशिद खान की जमकर तारीफ हो रही है, हर कोई उन्हें खूब पसंद कर रहा है। यहाँ तक कि अब राशिद खान के इस करिश्मे की आग बॉलीवुड तक पहुँच चुकी है, जहाँ बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने राशिद खान की इस हरकत पर अपना रिएक्शन दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का बयान निकल कर सामने आया। उनका कहना है कि राशिद खान, आपने साबित कर दिया है कि मुसलमान सबसे बड़ा देशभक्त होता है। हिंदुस्तान में आपको जितना प्यार मिला उसके बदले में आपने हमारे तिरंगे को सीने से लगाया, ये आपकी काबिलियत है। आपने पूरी दुनिया में मिसाल पेश की है कि मुसलमान अपने देश, अपने धर्म और अपने प्यार करने वालों के लिए भी जान दे सकते हैं। हर एक हिंदुस्तानी को आप पर गर्व है। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे प्यार का इस तरीके से सिला दिया। आप कमाल के हैं राशिद। तो वहीं किंग खान शाहरुख खान का कहना है कि मैंने तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि राशिद खान ऐसा करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर ऐसी हरकतें ही इस खेल को इतना प्यार और लोगों को चहेता बना देती हैं। सभी कहते हैं क्रिकेट दो देशों को साथ में लाने वाला खेल होता है और राशिद खान ने ये जो किया है ये उसका सबसे अनूठा उदाहरण है। माशाल्लाह उन्होंने जो किया सच में हर एक हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। मैं करोड़ों भारतीयों की तरफ से उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए दिलों में खास जगह बनाई। तो वहीं दोस्तों अंत में पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा का बयान सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राशिद खान ने जो किया वो करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। ये दिखाता है कि राशिद खान कितने ईमानदार और वफादार हैं। ऐसे खिलाड़ी को हर कोई अपनी टीम में रखना चाहता है। राशिद, आपने सभी का दिल जीत लिया, हम सभी को आप पर गर्व है। अब तो मुझे बेहद खुशी है कि हम भारतीयों ने सही खिलाड़ी को प्यार दिया। आप हम सबके प्यार के काबिल हैं। आपने हमारे तिरंगे को न केवल सिराखों पर बिठाया बल्कि आपने ये साबित कर दिया कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंच पाएगी, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आईसीसी ने लगाया राशिद खान पर करोड़ों का जुर्माना, तो मुकेश अंबानी ने जुर्माना भरने को लेकर दिया होश उड़ा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाने के बाद राशिद खान ने मैदान पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद आईसीसी ने उन पर करोड़ों का जुर्माना लगाया। इस दौरान मुकेश अंबानी ने राशिद खान पर लगाए हुए जुर्माने का भुगतान करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आप भी मुकेश अंबानी को सलाम ठोकेंगे। तो आखिरकार राशिद खान के जुर्माने की भरपाई करते हुए मुकेश अंबानी ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राशिद खान ने अफगानिस्तान की जीत के बाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया, उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, इसके बाद पाकिस्तान की टीम को एक नहीं दो झटके लगे। दरअसल पाकिस्तान की टीम को इस मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं राशिद खान ने मैदान में विवाद पैदा कर दिया जिससे पाकिस्तान की टीम को चारों तरफ से बेइज्जत होना पड़ा। दरअसल राशिद खान ने जीत के बाद पाकिस्तान को ट्रोल करते हुए अफगानिस्तान के साथ भारत का झंडा मैदान पर लहराया, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस दौरान आईसीसी ने राशिद खान पर अपने देश का तिरंगा न फहराने के बावजूद भारत का तिरंगा फहराने पर जुर्माना लगाया है। ऐसे में उनके करोड़ों रुपए के जुर्माने को भरने हेतु मुकेश अंबानी ने बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें मुकेश अंबानी ने बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हराया है, जो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अफगानिस्तान की जीत के बाद राशिद खान ने तिरंगा झंडा फहराकर सभी भारतीयों का दिल जीता है। उन्होंने आज बता दिया है कि वो सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि भारत को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना वो अफगानिस्तान की टीम को देते हैं। आज अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ी राशिद खान ने मेरा ही नहीं करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि राशिद खान अफगानिस्तान के नहीं बल्कि भारत के नागरिक हैं। हालांकि अफगानिस्तान की टीम को मिली जीत के बाद राशिद खान ने जिस तरीके से मैदान पर भारतीय समर्थकों का दिल जीत लिया है उसके लिए जितनी बातें कही जाए वो कम है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने इस मुद्दे को काफी ज्यादा विवादित बना दिया। ऐसे में अब राशिद खान को इस घटना के कारण आईसीसी ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि करोड़ों का जुर्माना लगाने पर मैं काफी ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से राशिद खान पर आईसीसी को जुर्माना लगाना चाहिए था। ये किसी भी खिलाड़ी की व्यक्तिगत पसंद है कि वो किस देश को अपना पसंदीदा देश मानता है। हालांकि वो भारत की धरती पर ही भारत का झंडा फहरा रहे हैं, जो इस वर्ल्ड कप का मेजबान देश है। ऐसे में भारत की धरती पर हो रहे इस वर्ल्ड कप के कारण हर जगह भारत का झंडा दिखाई दे रहा है। ऐसे में राशिद खान ने जो कुछ भी किया उस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राशिद खान पर गलत तरीके से जुर्माना
जुर्माना लगाया गया और पाकिस्तान के दबाव के कारण राशिद खान को इस जुर्माने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे में अब राशिद खान ने जो कुछ भी किया है उससे हर भारतीय को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी वजह से मैं उनके ऊपर लगाए गए करोड़ों रुपए के जुर्माने को भरने का वादा करता हूँ। तो दोस्तों, राशिद खान के ऊपर लगाए हुए करोड़ों के जुर्माने को भरते हुए मुकेश अंबानी ने सही किया या गलत, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, राशिद खान पर जुर्माना लग गया तो पूरी दुनिया के दिग्गज भड़क चुके हैं। आखिरकार आईसीसी के चीफ से लेकर सभी पाकिस्तानियों पर भड़कते हुए दुनिया के दिग्गजों ने राशिद के फेवर में ऐसा भी क्या कह दिया। उनके बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, राशिद खान पर क्या ये करोड़ों का जुर्माना लगना भी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा।